Santa. First of all, congratulations. Trailer looks so promising. My question is for Baba. 10 साल दमदार हो चुके हैं, दमदार 10 साल हो चुके हैं. आप हमेशा कहते हो कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हो एज अ पर्सन, एज एन एक्टर. कुत्ते के बाद क्या बदला है, क्या सीखा है एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन? नहीं, वफादारी बहुत पहले सीख गया था, उसके लिए कुत्ते करने की जरूरत नहीं पड़ी. आवाजें निकालना आज से सीखना चालू करूंगा, तो वो एक नई चीज है, मार्केटिंग से चालू होगी. हाँ, मैं पहले रिहर्सल करना चाहूंगा, फिर आप लोग सिखाना, मैं सीख जाऊंगा. सारे अपने पैप बॉयज जो है सब सिखाएंगे मुझे. आहू आहू वैसे भांगड़ा का वो. हाँ, वो आहू आहू तो उसके लिए इम्तियाज को फोन करना पड़ेगा, वो आहू आहू. बट नहीं, इन ऑल सीरियसनेस, या एवरी फिल्म टीचेस, यू नो, मैंने एक चीज सीखी है, सीरियसली बोलूंगा, अपने घर पे बैठ के एसी ऑन करके नरेशन नहीं सुनना चाहिए. बिकॉज ये पिक्चर ओनली नाइट्स में शूट हुई है, मुझे रोज बारिश में भिगाया गया है, और ऐसी ऐसी जगहों पे जाके शूट कराया जहाँ पे आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है. शूटिंग इन द रेन, शूटिंग नाइट्स, एंड टू शूट एक्शन, एंड टू शूट दिस काइंड ऑफ केओस. आई थिंक द वन थिंग आई लर्न इन दिस फिल्म इज टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एज एन एक्टर. यू गेट यूज टू डूइंग लाइटर फिल्म्स, मोर फन फिल्म्स वेयर थिंग्स आर अलाइंड. वी हैड टू बी वेरी वेरी कॉग्निसेंट ऑफ द एनसेम्बल. बहुत सारे सीन्स में बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. एक ठहरा वाना सेट पे एज एन एक्टर यू नीड टू बी वेरी काम, कंपोज, एंड यू नीड टू बी एबल टू टेक द सर्कमस्टांसेस दैट आर अराउंड यू एंड स्टिल बी एबल टू एक्ट एंड परफॉर्म एंड प्ले द कैरेक्टर. सो आई थिंक दिस फिल्म अलॉन्ग विद, ऑफकोर्स, यू लर्न विद एवरी एक्टर यू वर्क विद, बट फॉर मी पर्सनली इट वॉज अ बिग टेस्ट. मैं हमेशा कहता था यार मुझे नाइट शूटिंग बहुत पसंद है, मुझे नाइट शूटिंग बहुत पसंद है. जब इसने नरेट की थी, मैंने कहा हाँ ये तो हो जाएगा यार, नाइट शूटिंग है, माइंड ब्लोइंग, मजा आएगा. But then you realize, you know, to shoot in the rain, to shoot action, to have this kind of intensity, it is very, very mentally exhausting. You still need to stay very focused. So for me, that was a big learning. And I think sometimes you cannot let the physical problems come in the way of being switched on when the camera rolls. जब ऑनसॉम फिल्म होती है, आपको पता नहीं आपका शॉट कब लगेगा, आप किस शॉट में क्या कर रहे हो. यू नीड टू बी अवेलेबल एंड द अवेयरनेस हैज टू बी देयर ऑफ द सीन. सो आई थिंक टू बी स्विच्ड ऑन रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल कंडीशंस एंड द शेयर टॉर्चर ऑफ शूटिंग in very, very strange locations we had to choose. So, and in the cold at night. I think that was the biggest thing for me as an actor. I thought after 10 years it'll be easy. It actually felt a little tougher because you kind of got used to things falling into place for you, and here I had to rejig that mental mindset. Yeah. Wait, it'll just get harder and harder. Yeah, I didn't want to say that, but it does feel like, I was telling her that day only, I said, ab night shooting mein wo baat nahi rahi yaar.